हेलो चेक 1 2 3 माइक 1 2 स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं। ओके मॉर्निंग ऋषि जानना चाहेंगे 15 अगस्त है आज और आप किस तरह से 15 अगस्त मनाने जा रहे हैं। मैं मतलब ऐसा कुछ खास, अब उम्र थोड़ी सी हो गई है तो अब ना हमारा स्कूल होता है जहाँ पे जाके हम सलाम करें, बट हाँ डेफिनेटली झंडा है हमारे हाथ में और हमारे घरों में और हमारे दिलों में। स्वतंत्रता आई थिंक इसका बहुत मायने है बिकॉज आज जब हिंदुस्तान विकास की ओर बढ़ रहा है, आज जब लड़कियां इंडिपेंडेंट हो रही हैं, आज जब हम मर्द उनको इंडिपेंडेंट होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो हमसे कदम से कदम मिलाकर खड़े हों या फिर हमसे आगे जाकर खड़े हों और हम उनको फॉलो करें, तो मेरे ख्याल से मैं इसी तरह से सेलिब्रेट करना चाहूँगा कि मैं किसी की मदद कर सकूँ। अगर किसी लड़की के साथ कुछ कोई गलत कर रहा है या तो मैं उसका विरोध कर सकूँ, और बेसिकली ये चाहता हूँ कि मैं अपने मन का काम कुछ कर सकूँ, खुद को स्वतंत्र महसूस कर सकूं। मेरे लिए स्वाधीनता, मेरे लिए स्वतंत्रता महसूस करने में है कि मैं जो चाहूं वो महसूस कर सकूं और आप भी जो चाहें वो महसूस कर सकें। ओके ऋषि, जिस तरह का माहौल चल रहा है, यू नो बड़ी कम्युनल साइड हो रहे हैं, एक दूसरे से लोग समुदाय गंगे हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे 15 अगस्त के दिन कि लोगों में भाईचारे की आए, दो दूसरे को समझे, आप क्या कहना चाहेंगे एज एन एक्टर, एज एन टू योर फैंस, टू द इंडियंस? जी, ये कम्युनल राइट्स जो हैं, मतलब ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है जो हिंदुस्तान में है। मतलब मैं कुछ एक साल पहले एक कुछ फिल्म की शूटिंग के लिए लंदन गया हुआ था, तो वहाँ पे एक हिंदुस्तानी टैक्सी ड्राइवर था, तो मैंने उससे ऐसे ही बोल दिया कि भाई आपको कैसा लगता है यहाँ पे लंदन में, तो थोड़ा बहुत रेसिज्म अभी भी कायम है, उन लोगों को लगता है कि हिंदुस्तान अभी भी बहुत पीछे है। इनफैक्ट एक ओल्ड लेडी जो है, जब मैंने उनसे अंग्रेजी में बात की तो वो एकदम आश्चर्यचकित रह गए कि अरे आप इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं, एंड हमने तो हिंदुस्तान वो देखा है जब लोगों को बोलने की भी मतलब अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे बिल्कुल। तो मैंने उस ड्राइवर से पूछा कि आपको कैसा महसूस होता है इतने साल से यहाँ पे टैक्सी चला के, तो वो मुझसे गुस्सा हो गया और उसने मुझे बोला कि हम हिंदुस्तानी जो हैं वो किस हक से रेसिज्म बोल सकते हैं किसी अंग्रेज को, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ गोरे और काले का भेद है, वहाँ तो आप सब एक रंग के हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हिंदुओं में ब्राह्मण से लेकर के शेड्यूल कास्ट तक सब एक रंग के हैं, हम मुस्लिम्स में शिया सुन्नी हम सब एक रंग के हैं, फिर हम किस बात के लिए फाइट कर रहे हैं, हम क्यों लड़ रहे हैं? तो हम किसी और को रेसिस्ट बोलने के बिल्कुल भी हमें हक ही नहीं है, बिल्कुल अधिकार ही नहीं है हमें, और हम मतलब इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं लखनऊ में पला बड़ा हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मेरी मदर बंगाली है, फादर पंजाबी है, मैं उसके बाद लखनऊ से बॉम्बे आ गया, मेरे इतने सारे दोस्त हैं जो मुस्लिम हैं और मेरे इतने सारे दोस्त हैं जो अलग अलग डिफरेंट कास्ट के हैं, तो इससे इससे कैसे पता चल सकता है कि अगर मैंने किसी लड़की को छेड़ा तो मुझे कैसे पता कि वो मुस्लिम थी? क्या उसके चेहरे पे लिखा होता है कि वो मुस्लिम है? तो ये हिंदू मुस्लिम मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जिसपे आप कमेंट कर सकते हो, कुछ चीज़ों पे आप पूरी तरह से बोल सकते हो कि ये सही है और ये गलत है, पर कुछ चीज़ों में मुद्दा ही नहीं होता। इसमें मुद्दा क्या है, हम किस बात को लेकर लड़ रहे हैं? हमारे पास कोई मुद्दा ही नहीं है, हम सिर्फ क्योंकि अपनी तानाशाही दिखाना चाहते हैं, हम सिर्फ क्योंकि ये कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे स्ट्रांग हूँ। कौन किससे स्ट्रांग है, सब तो एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं। ओके, आप मानते हैं कहीं ना कहीं बॉलीवुड की बात करी जाए, फिल्म जगत की बात करी जाए, सबसे ज्यादा एकता यहीं पे है, हर मजहब के, हर प्रांत के, हर तरह के लोग यहाँ पे, और एक मिसाल है बॉलीवुड जब हम बात करते हैं आपसी भाईचारे की। इंडियंस सर, हम सब एक ही मजहब के हैं और वो मजहब है क्रिएटिविटी। हम बॉलीवुड में जो भी काम करने यहाँ पे आए हैं, चाहे वो अपने शहरों से आए हैं, चाहे फिर वो यहाँ के हैं, वो सब पैशनेट हैं, उनके अंदर जोश है, उन्हें काम करना है, उन्हें कुछ ऐसा करना है, उन्हें उन्हें कुछ ऐसा करना है कि आप उन्हें देखें, आप उन्हें देखने को मजबूर हो जाएं, वो खुद को साबित करना चाहते हैं। उनका मजहब सिर्फ एक है, खुद को साबित करना, इसलिए वो सब एक ही मजहब के हैं। तो जब तक हम सबका मजहब एक नहीं होगा, ह्यूमैनिटी नहीं होगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे। तो बॉलीवुड की ये खासियत है कि वो उनका मजहब एक ही है, दे ऑल आर पैशनेट अबाउट देयर वर्क।
सबको एज एन एक्टर एज एन इंडियन अपील करना चाहूंगा कि आपस में दूसरे के साथ प्रेम से रहें, स्नेह से रहें, उस तो यही बोल देते हैं ना जो आपने बोला। हाँ ठीक भाई बोला मेरे को। और सर ये यूज कर लीजिएगा लाइन क्यों कि दंगा कहीं पे भी हो, किसी भी मतलब दंगे किधर भी हो, कोई भी एक इंसान नहीं मरता, उसके बाद उसकी पूरी फैमिली मरती है। बोलो बोले 15 अगस्त के दिन मैं आप सब लोगों को सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपस में लड़े नहीं। प्यार बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है और एक दूसरे से प्यार करें, क्योंकि दंगा कहीं पे भी हो एक इंसान नहीं मरता, उसकी पूरी फैमिली मरती है। और फिर वो बदले लेना, विरोध भावना, इस सबसे किसी का कुछ हल नहीं होने वाला। तो हम सब स्वतंत्र हैं अपनी तरह से, वी आर पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो प्लीज़ एक दूसरे का साथ दें, खुशियाँ बांटें, झगड़े नहीं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पूछे अच्छा दूसरा मैं बोल रहा था, दूसरा मैं कह रहा था कि रोना, दूसरा मैं ये जानता हूँ आपसे कि सर आप बॉलीवुड का खुद हिस्सा हैं, और क्या मानते हैं आप जिस तरह की बॉलीवुड में यूनिटी है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर बॉलीवुड में यूनिटी है और दिखाने की यूनिटी नहीं है, दरअसल सच में यूनिटी है। यहाँ पे ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई टाइप का कुछ होता नहीं है। आप फॉर एन एग्जांपल आप ने अगर चेन्नई एक्सप्रेस देखी हो एक फिल्म, शाहरुख खान जो है वो मुस्लिम है हर कोई जानता है, और रोहित शेट्टी जो है वो हिंदू हैं हर कोई जानता है, पर फिर भी उन्होंने एक फिल्म बनाई, मिल के बनाई, और उसका जो पॉजिटिव फीडबैक उन्हें आया वो आप देख सकते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट इज़ अबाउट अबाउट दैट यूनिटी, इट्स अबाउट कुछ अच्छा करने की चाहत। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके पास, और ऐसे दर्जनों और सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं आपके पास हमारी इंडस्ट्री के बारे में। ओके, यू वांट मी टू से दैट? आई फील दैट बॉलीवुड इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन इन ऑल ओवर इंडिया। मैं त्रिशा के बारे में, त्रिशा त्रिशा लौट आओ, त्रिशा नाम है जो, लौट आओ त्रिशा, ठीक है। इसी तरह अबाउट यू नो हाउ यू केम ऑन बोर्ड ऑन दिस दिस शो त्रिशा लौट आओ। लौट आओ त्रिशा एक्चुअली द प्रोड्यूसर्स, आई मीन नंदिता मेहरा एंड भैरवी रायचूरा द प्रोड्यूसर्स, एंड बोथ आर वे डियर फ्रेंड ऑफ माइन। और नंदिता जी के साथ मैं पहले एक आध जगह कहीं पे मिला था, तो शी सेड, एंड शी इज क्वाइट अ सीजन डायरेक्टर इन आर टीवी इंडस्ट्री, सो शी सेड दैट ऋषि आई वुड लाइक टू वर्क विद यू, एंड आई वॉज एम्बेरस्ड। आई सेड मैम आप क्या बोल रहे हैं, मतलब आई वुड लव टू वर्क विद यू। और उसके बाद एक महीने के अंदर ही उनके यहाँ से मुझे फोन आया, और उन्होंने बोला कि एक ऑडिशन दे दो जाके वहाँ पे। तो मैं जब ऑडिशन देने गया तो बड़ी मज़ेदार बात है कि वहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर जो था उसने मुझे बोला कि सर ये रोल है आप ऑडिशन दे दीजिए। मैंने कहा तो 21 साल के लड़के का रोल है यार, मैं कहा 21 साल का लगता हूँ, मतलब 19 का ही लगता हूँ ना मैं तो, सो दैट वे। तो एनीवेज तो उन्होंने कहा नहीं आप एक जनरल ऑडिशन दे दीजिए, और एक हफ्ते के बाद मुझे एक डिफरेंट रोल के लिए कास्ट कर लिया गया। अब पता ये चला कि वो रोल जो है वो एक्चुअली शुरू में था ही नहीं, वो रोल एक कॉप का जो रोल है वो रोल एक लड़की का था, क्योंकि ये हमारी एक मैक्सिकन सीरीज से लिया गया है ये शो, उसके कॉपीराइट लेके। तो उस मैक्सिकन शो में जो रोल मैं इस हिंदुस्तानी सीरीज में कर रहा हूँ उसमें एक लड़की ने किया था, तो किस तरह से उस लड़की के कैरेक्टर को चेंज किया गया लड़के में ताकि मैं ऑन बोर्ड आ सकूँ, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। और अगर मुझे भैरवी रायचूरा जिनकी मतलब जो काफ़ी समय पहले से मुझसे काफ़ी सीनियर एक्ट्रेस हैं और कमाल की एक्ट्रेस हैं, अगर वो मुझे बोलती हैं कि ऋषि आई वॉन्ट यू टू बी ऑन बोर्ड बिकॉज आई एम योर फैन, सो आई फील रियली गुड, मतलब बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। I was shocked actually because
हमें पता ही नहीं था कि कौन करने वाला है वो रोल, और भाग्यश्री इज अ सीजन्ड एक्ट्रेस, और इतने सालों के बाद वापस टीवी करना या वापस एक्टिंग में आना, मतलब उनके बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े हो गए हैं, और शी इज बीन सच अ बिग स्टार, हम तो मैंने प्यार किया देख देख के बड़े हुए हैं, उसके गाने सुन सुन के हम तो बड़े हुए हैं, तो उनके साथ काम करना इस आई मीन नॉट ओनली भाग्यश्री, एक्चुअली आई लव राजेश्वरी सचदेवा ऑल्सो, राजेश्वरी सचदेवा शी इज सच ए फेबुलस एक्ट्रेस, मतलब उन्होंने श्याम बेनेगल के साथ कितनी फिल्में की हैं, और बाकी भी जो भी लोग हैं, एजाज खान इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, ही वर्क्स सो हार्ड, इतनी मेहनत करता है रोल के लिए, मतलब हम सेट पे आके स्क्रिप्ट्स नहीं देखते हैं, हम स्क्रिप्ट्स याद करके सेट पे आते हैं, विच इज सच एन अमेजिंग थिंग टू डू, हम कितना टाइम बचा रहे हैं, कितनी एनर्जी बचा रहे हैं लोगों की, सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड शो एंड इट्स डूइंग रियली वेल, आप लोगों को पसंद आ रहा है, थैंक यू. Actually, do you think it's a turning point in your career when you talk about the career thing? Do you think it's a turning point in your career? The moment you come on board, though you as you said, the response is very good. Trisha, ab lot aao. सी, मेरा इस कैरेक्टर को करने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये था कि मैं अपनी इमेज चेंज करना चाहता था. इसके पहले मुझे जो रोल मिले, जो छोटी बहू में मैंने किया या जो मैंने सास बिना ससुराल में किया, जो फेमस शोज थे मेरे, उसमें मुझे हमेशा सीधा साधा भगवान भक्त इसी तरह के रोल मिलते रहे, और लोगों को हमेशा यही लगता रहा कि मैं इस तरह का ही हूँ. ऋषि इज वेद प्रकाश चतुर्वेदी, बट ऋषि इज नॉट वेद प्रकाश चतुर्वेदी, ऋषि इज जस्ट एन एक्टर और एन एक्टर, नॉट जस्ट एन एक्टर. एक्टर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है मेरे हिसाब से. तो मैं और डिफरेंट रोल करना चाहता था, मैं कुछ डिफरेंट लुक चाहता था, तो जब मुझे कॉप का रोल ऑफर हुआ, दो आई वुड लव कि अगर वो कॉप ड्रेस में होता तो, बट दीज आर स्पेशल कॉप्स, तो वो ड्रेस में नहीं है, तो मेरा एक बहुत बड़ा उद्देश्य था अपनी इमेज चेंज करना, जो कि हो रही है. और बाकी जहाँ तक रही मोड़ की बात कि करियर में कितना मोड़ आएगा, तो वो मुझे नहीं पता, बिकॉज मोड़ बहुत सारे आते हैं, हर कुछ दिन में आते हैं, हर कुछ महीने में आते हैं, कुछ गलियों में चले जाते हैं, कुछ बड़े हाईवे पे खुल जाते हैं, तो ये लाइन जो है अनसर्टेनिटी की लाइन है, और एक्सपेरिमेंट की लाइन है, एडवेंचर की लाइन है, और मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है. कॉप का आपने जिक्र किया, कॉप का रोल आप कर रहे हैं, ये बात अलग है कि आप यूनिफॉर्म में नहीं दिख रहे हैं ऑन स्क्रीन. मर्दानी रानी मुखर्जी की हाँ, फिल्म आ रही है अभी, और कल सिंघम रिलीज है, क्या बात है, और बड़ा बड़ा कॉप कॉप का माहौल सा चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? और विच मीन डू इंस्पायर और डू यू सी द आइडल ऑफ योर्स व्हेन यू टॉक अबाउट द करेक्ट समवन हु प्ले द करेक्टर ऑफ पुलिस और कॉप इन इन द फिल्म इंडस्ट्री? भाई अजय देवगन तो डेफिनेटली सिंघम में बहुत ही कमाल के थे, ही इज गॉट दिस इंटेंस आईज जो कि ज्यादातर एक्टर्स का Who is your ख्वाब होती idol है. cop? आइडियल कॉप In from Hindi film industry. फ्रॉम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, आई थिंक अजय देवगन, यस सिंघम, ही वॉज ब्रिलियंट, ही वॉज ब्रिलियंट. फिल्म डेफिनेटली मसाला फिल्म थी, पर कमाल की मसाला फिल्म थी, और विद अ मैसेज मसाला फिल्म थी, तो अजय देवगन यस. एंड रानी मुखर्जी, आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद हर, बिकॉज शी इज सच अ गुड परफॉर्मर, वो जो रोल करती हैं उसमें जान डाल देती हैं, आप कोई भी फिल्म उनकी उठा के देख लो, कोई भी फिल्म उठा के देख लो, और अगर उन्होंने मर्दानी में जो काम किया होगा, आई एम श्योर कि कमाल का काम किया होगा. मैंने सिर्फ अभी प्रोमोज ही देखे हैं, ट्रेलर्स देखे हैं, एग्जैक्टली फिल्म नहीं देखी, तो उस पर नहीं बोल सकता मैं, पर हाँ रानी मुखर्जी अगर कोई भी फिल्म कर रही हैं, जो कि साल दो साल में एक फिल्म करती हैं वो, पर जब वो करती हैं तो इट्स समथिंग टू वॉच आउट फॉर. द लास्ट वन आपने कहा कि कहीं इमेज वो इमेज में खत्म करना चाह रहा था, तो क्या आप कर पाए ऋषि आप, और किस तरह का रेस्पॉन्स है, रस्टिक और रफ टफ एक्शन करने की जो ख्वाहिश थी आपको, आप किस तरह का रेस्पॉन्स आ रहा है खास करके योर फ्रेंड फ्रॉम द इंडस्ट्री? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है, और इमेज मुझे लगता है कि मैं खत्म कर पाया, डेफिनेटली खत्म कर पाया. मतलब और भी कई सारे रोल किए मैंने इसके अलावा बीच में, जैसे मुझे नेगेटिव रोल करना बहुत पसंद है, तो वो भी करने का मौका मिला मुझे बीच बीच में. तो इनफैक्ट जो मेरे फैंस, जो हम लोग जो जिनसे यूजुअली कनेक्ट करते रहते हैं, कभी कभार चैट करते रहते हैं, दे ऑल वर वेरी शॉक्ड कि मैं कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ. कई लोगों को तो बहुत बुरा लग गया कि आप ऐसा रोल कैसे कर सकते हैं, आप कैसे नेगेटिव हो सकते हैं, आप तो भगवान भक्त हो या. पर मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि मैं एक्टर हूं, और जो जैसा रोल मिलेगा मैं वैसा करूंगा, और अच्छी तरह से करना है, तो मैं एक्टर बनना चाहता हूं, बिकॉज अगर मैं एंटरटेन कर सकूं आपको, तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं है. What else is there in the pipeline? अरे वो मेरा छोटा होगा, नहीं ऊपर से खुला है. Yes.
सेटल. आई एम डूइंग, मैं थिएटर करता रहता हूँ. जब से बॉम्बे आया हूँ तब से हमेशा थिएटर ऑन ही रहा है. तो एक एक नया एक्सपेरिमेंट मैं पहली बार खुद के साथ कर रहा हूँ. मैं एक पंजाबी प्ले कर रहा हूँ, कॉमर्शियल प्ले है. तो बट पंजाबी वैसे मेरी मदर टंग नहीं, फादर टंग है, बट मैंने कभी उसमें काम किया नहीं उस भाषा में. तो आई ट्राई टू कीप टेकिंग चैलेंजेस. मैं जैसे कुछ, मैं बंगाली सीख रहा हूँ तो मैं पंजाबी सीख रहा हूँ क्योंकि मुझे पंजाबी प्ले करना है, मतलब आई एम रिहर्सिंग फॉर इट. हिंदी प्लेज करता रहता हूँ. तो मेरे हिसाब से आई ट्राई टू री इन्वेंट माई सेल्फ. ऐसी कई सारी नई चीज़ें हो रही हैं. आई टेक क्लासेज ऑल्सो, क्लासेज नॉट रेगुलर एक्टिंग क्लासेज, बट आई ट्रेन कॉपरेट पीपल टू ओपन अप. उनको किस जेस्चर का कैसे इस्तेमाल करना है व्हेन दे आर टॉकिंग टू देयर एम्प्लॉयज और बॉसेज, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है. मतलब अगर मैं ऐसे बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैंने खुद को बांध के रखा हुआ है, मैं ओपन अप नहीं हो रहा हूँ. अगर मेरे हाथ पीछे हैं, अगर मैं आपको सुन रहा हूँ तो मेरी आंखें बता देंगी कि मैं आपको सुन रहा हूँ. अगर मैं डिसइंटरेस्ट, मैं इधर उधर देख रहा हूँ आपसे बात करते वक्त, तो इसका मतलब ये कि मैं डिसइंटरेस्टेड हूँ, मैं आपसे इसकी बात नहीं सुनना चाहता हूँ. तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी लैंग्वेज से पता चलती हैं. सो आई टेक क्लासेस फॉर दैट. आई टेक क्लासेस. बहुत पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, जो मुझसे बहुत सीनियर होते हैं, उन लोगों की क्लासेस भी मैं लेता हूँ. एक बार बैक से पुल बैक कर लेना, एक बार पीस से पुल बैक कर लेना, एक बार डाउन से पुल बैक कर लेना.